नगर परिषद चंबा ने बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए अब डोर टू डोर लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शहर के हर एक वार्ड में जाकर लोगों को सूखा हुआ गीला कचरा अलग अलग देने के लिए जागरूक करेंगी। इस अभियान के पहले तीन दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोगों को जागरूक करने के साथ सूखा पड़ा हुआ गीला कूड़ा अलग ना देने की सूरत में होने वाली कार्यवाही के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद मनमानी करने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे। उधर नगर परिषद चंबा की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने में लोगों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेशों के बाद अब लोगों को सूखा व गीला कूड़ा अलग अलग देना होगा। इसके लिए सोमवार से तीन दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राखी कौशल, EOMC डलहौजी, अभी मेरे पास चंबा MC का भी एडिशनल चार्ज है और आज हमने एक बैठक रखी थी जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कुछ लेडीज हमने बुलाई हुई थी जिनको एंगेज किया है। वो एक महीने के लिए IEC एक्टिविटीज करेंगी हमारे शहर में। 11 वार्ड्स हैं हमारे और 11 वार्ड्स में जा जाके ये लोगों को एजुकेट करेंगी कि हम गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग रखें और अलग अलग कॉन्ट्रेक्टर्स को दें। और कॉन्ट्रेक्टर्स को जैसे हमारा पहले से भी निर्देश है, हमारे इनके साथ एग्रीमेंट में है कि हमें अलग अलग गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करके देंगे, लेकिन कुछ कमियां रहती हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% इसको हम इम्प्रूव करें। इसके लिए हमने ये एक और अभियान छेड़ा है और ये IEC एक्टिविटीज करेंगी। हमारे वार्ड मेंबर्स का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये जो हमारी महिलाएं हैं वार्ड मेंबर्स के साथ जाके भी वार्ड्स में लोगों को एजुकेट करेंगी, रिक्वेस्ट करेंगी और जब कुछ लोग नहीं मानते हैं तो उनका चालान भी होगा। कुछ जैसे हमारे मकान मालिक हैं, उनके किराएदार रहते हैं, देते हैं नहीं, लिस्ट में कहीं होते नहीं है और फिर वो लोग फैलाते हैं कचरा। तो इन चीजों को सबको रोकने के लिए और 100% कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से करने के लिए आज हमने एक महीने के लिए IEC एक्टिविटीज का शेड्यूल किया था। इन महिलाओं की ट्रेनिंग की है। NULM से रुचि और हमारे SWM के मनीष शर्मा थे, हमने सबने मिलके ये प्लान किया था और इनको हमने अब फील्ड में महीने के लिए छोड़ा है और उसके बाद हम बीच में रिव्यू करते रहेंगे और प्रेस में भी हम ये बार बार देंगे कि हमारे चंबा के लोग जो हैं वो 100% हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग देंगे। ये होटलों में, ढाबे में जो बाहर गंद पड़ा होता है, सड़कों में, उसके बारे में क्या बोलते हैं? इसमें हमारे बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। मेरी तो जब, क्योंकि मेरे पास एडिशनल चार्ज है, मैं चंबा आती हूँ तो मेरा राउंड तो कई बार रात को भी होता है और अर्ली मॉर्निंग भी होता है और बहुत ही ज्यादा मेस होता था यहाँ चंबा में कि दुकानदार अपना कचरा लेके बाहर फेंकते हैं। बड़े शर्म की बात है जब हम अपने इस प्लास्टिक से अपना व्यापार करते हैं तो ये फिर इस तरह से फेंकना तो एक एजुकेशन की बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा अनुरोध है अपने व्यापार के मंडल के, जितने हमारे व्यापार मंडल के प्रधान हैं या जितने मेंबर्स हैं और चंबा के जितने हमारे व्यापारी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपना कचरा अंदर रखें। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कचरा नहीं लेते हैं तो हमारे ध्यान में लाएं और हमारे जो सुपरवाइजर सैनिटरी के हैं उनके ध्यान में लाएं और इस तरह से काइंडली जो डस्टबिन है ये बाजार को समझते हैं, ऐसा ना करें। और आने वाले टाइम में हम डेली चलान कर रहे हैं, अभी मिंजर के दौरान में भी हमने काफी डेली चलान किए हैं और हम इस व्यवस्था को, चलो मिंजर खत्म हो जाता, थोड़ा सा मिंजर का प्रेशर तो रहता है, लेकिन फिर भी हमने मिंजर के दौरान भी कोशिश की है कि चौगान से कचरा सड़कों पे ना जाए या दुकानों से ना जाए। अभी काफी इसमें सुधार हुआ है, 70-80% अब दुकानों से कचरा बाहर नहीं आ रहा है हमारे बार बार निरीक्षण करने पे, लेकिन 100% ये हमें इंश्योर करना है। और मेरा अनुरोध है अपने चंबा के सभी व्यापारी भाइयों से कि वो अपने दुकान का कचरा अंदर रखें, हम ले लेंगे, लेके उसको अच्छी तरह से सुनियोजित रूप से प्रोसेस करेंगे। तो मेरा यही कहना है।